हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 12.1 का प्रश्नावली 6 क्वेश्चन नंबर क्या है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आज देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बन चुका है नेक्स्ट वीडियो में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए एक रफ फिगर बनाते हैं। इसका एक भुजा समद्विबाहु त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है, यानी कि एक भुजा जितना है। तो मतलब जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, जैसे ये भुजा बराबर थी, ये भी बराबर होगा। ये दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरा भुजा हमें पता नहीं। तीसरा भुजा क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, और इसका क्या है, परिमाप दिया हुआ है, ठीक ना। इसका हल करते हैं, चलिए देखते हैं। यानी कि दो भुजा दिया हुआ 12 12 सेंटीमीटर, और तीसरा भुजा को हम क्या किए हैं, एक्स मान लिए हैं। तो लिखेंगे माना कि तीसरी भुजा बराबर एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी भुजा कितना है, एक्स सेंटीमीटर है, और परिमाप दिया हुआ है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। इसमें तीन भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि समद्विबाहु दो भुजा बराबर है इतना। इसको जोड़िए, 12 12 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। 12 12 कितना होगा, 24 सेंटीमीटर प्लस एक्स सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में पक्षांतर करते हैं, तो 24 है इधर, वो साइड बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा, 30 माइनस 24, ठीक है, सेम। तो इसको घटाते हैं क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 30 में 24 गया तो 6 बचा। तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो अर्ध परिमाप चलिए निकालिए, क्या होता है, अर्ध परिमाप, वही संदेह होते रोज का अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है, 12 प्लस 12 प्लस 6 बटे 2, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। इसको जोड़िएगा तो 12 6 18 12 30 बटे क्या आ जाएगा, 2। इसको भाग दीजिए, 15 आ जाएगा। यानी कि अर्थ परिमाप को ऐसे सूचित करते हैं, यानी कि एस बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। और हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र क्या होता है, हीरोन सूत्र से होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब पहला भुजा को ये, दूसरा भुजा को बी, और तीसरा भुजा को सी मान लेंगे, और एस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो एस का वैल्यू 15 है, 15 माइनस 12, फिर एस का 15, बी का मान फिर 12, एस का मान 15, सी का मान वही 6। तो इसको हल करते हैं, क्या जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 6 गया तो 9। चलिए इसको क्या करना है, इसका रूट को निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 का गुणनखंड किया हुआ ये है। और इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। चलिए इसमें से हम क्या करते हैं, पेयर करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। इसका जोड़ा निकल रहा है और इसका जोड़ा निकल रहा है, ठीक है, और ये दोनों का जोड़ा नहीं निकल रहा है। तो जिसका जिसका जोड़ा निकल रहा है उसको क्या करना है, बाहर लिखना है। तो 3 गुना 3, जिसका नहीं निकल रहा है उसको रूट के अंदर, 5 3 15, यानी कि 3 3 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर।